नमस्कार फ्रेंड्स, माय लाइफ प्रीति में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप लोगों से रिबॉन्डिंग, कैराटीन और स्मूथनिंग के बारे में बताऊंगी कि जब भी आप अपने बाल को कुछ करवाने की कोशिश करते हो कि मतलब मैं अपने बाल के लिए कुछ करूं, कटिंग कराऊं कुछ भी, तो आप सोचते हो सबसे पहले कि मैं क्या करूँ, क्या हमारे लिए सही रहेगा। तो मैं आप लोग को बताऊंगी आज सही चीज़ कि इन तीनों में से आपको क्या करवाना चाहिए और क्या सबसे है। जो एक कैराटीन होती है, एक ये होती है ना कि हम जब करवाते हैं इसको, तो वो एक अगर ज़्यादा आप अपने बालों की केयर करते हो तो 1 महीने तक वो स्ट्रेट रहते हैं बाल, उसके बाद सेम वैसे ही हो जाता है। और इसके पैसे भी ज़्यादा हैं, आपको 3,500-4,000 से शुरू होते हैं ये सब, तो बालों के हिसाब से लेते हैं। तो आप जब करवाते हो तो ये मतलब ये होता है ना, स्मूथ हो जाता, मतलब जो आपके डैमेज हैं कहीं से बाल वो सब सही करता है, और कहीं से टूटे फूटे हैं या फिर सिल्की नहीं है, रूखे रूखे से हैं, तो वो चीज़ वो कंट्रोल करता है और जड़ों को मजबूत करता है, ये चीज़ हो जाती है। बट आपके बाल को स्ट्रेट नहीं करता, ऐसे लगेगा कि हमारे जो बाल हैं उसमें मजबूती तो आ जाएंगी बट हमें लगेगा नहीं 1 महीने के बाद कि हमने कुछ करवाया हुआ है। और जो होती है ये स्मूथनिंग, तो वो भी ऐसे ही होती है, वो भी स्ट्रेट नहीं करती है, वो स्मूथ बालों को सॉफ्ट एंड शाइनी बनाता है। जैसे कि आप बालों को करते हैं एकदम सॉफ्ट बना देता है, ये देखिए आप लोग देख सकते होंगे, तो अभी भी मेरे बाल सॉफ्ट और शाइन ही है, ये नहीं है कि उखड़े उखड़े से हैं। और जो कि मैंने रिबॉन्डिंग करवाई थी 1 साल पहले, हमारा 1 फरवरी को हो जाएगा 1 साल कम्प्लीट, तो अभी जस्ट फिर मैं करवाने वाली हूँ, क्योंकि अभी इधर के थोड़े से बाल हमारे टेढ़े हो गए हैं, यहाँ तक आप लोग देख सकते होंगे, तो मैं फिर से करवाने वाली हूँ। तो और जो रिबॉन्डिंग होती है वो सबसे बेस्ट होती है। रिबॉन्डिंग इसलिए बेस्ट होती है क्योंकि ये स्ट्रेट हो जाते हैं हमारे साल 2 साल, अभी हम ना करवाएं तब भी हमारा आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, और मतलब साल भी हो गया अभी, हम 2 साल इसको रख सकते हैं, बट मैं करवा रही हूँ, मेरे शौक है। क्योंकि उससे क्या होता है, अगर आप रिबॉन्डिंग करवाते हो तो आपके ऑलरेडी सारे बाल एकदम शाइन करने लगता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है, बजते नहीं है, स्ट्रेट रहते हैं, आप कोई भी हेयर स्टाइल करें तो अच्छे लगते हैं, आप बाल भी खोल सकते हैं, आप बाल खोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब उलझेगा नहीं। और अगर आप वो कैराटीन करवाते हो या स्मूथनिंग वगैरह करवाते हो तो आप बाल खोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं आप लोग को सलाह दूंगी कि आप लोग स्ट्रेट ही करवाइए बाल को, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं ये बात आप लोग को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट करते थे कि मैम मैं क्या करवाऊँ, स्मूथनिंग करवाऊँ या क्या, मतलब यही सब, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग को बता देते हैं। और मैं अभी जस्ट एक वीडियो और बनाने वाली हूँ जो आप लोगों ने कमेंट किया है उसके ऊपर, जो मैं एक वीडियो 1 साल पहले डाली थी बता रही हूँ कि रिबॉन्डिंग की, तो उस पर आप लोग पूछ रहे थे कौन से शैम्पू यूज़ करना, हम क्या ऑयल यूज़ कर सकते हैं क्या नहीं, कितने दिन बाद हमें तेल लगाना चाहिए बालों में, ये सब चीज़ें थी, तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ गई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे की जो हमारी रिबॉन्डिंग वाली वीडियो देखनी है तो आप हमें कमेंट करें। बाय।